मैं डॉक्टर अल्फोंस तिर्की, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जीपी वर्मा स्नातकोत्र, कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, एमए इतिहास सेकंड सेमेस्टर, पेपर सेकंड, समकालीन विश्व। आज का हमारा विषय है साम्यवादी रूस का विघटन, कारण एवं परिणाम एवं एक ध्रुवीय विश्व। साम्यवादी रूस का विघटन, कारण एवं परिणाम। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ। 1990 के दशक के प्रारंभ में सोवियत संघ का विघटन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विघटन की पृष्ठभूमि में कई कारक विद्यमान हैं। पहला, ऐतिहासिक कारण। स्टालिन ने अपने कार्यकाल में पूर्वी यूरोप के देशों में बलपूर्वक साम्यवादी व्यवस्था को थोप दिया था। सरकार द्वारा साम्यवादी विचारधारा की इस बाध्यकारी आरोपण से जनता में हमेशा रोष बना रहा। दूसरा, सांस्कृतिक कारण। साम्यवादी सरकार ने धर्म को अफीम का नशा घोषित किया, फलस्वरूप अनेक धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण जनता की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा। सरकार ने साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल माने जाने वाले नाटकों, फिल्मों, कहानियों, उपन्यासों और कविताओं को प्रोत्साहन दिया। दूसरी ओर, साम्यवादी संस्कृति के विरुद्ध में उपलब्ध साधनों और स्रोतों पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, आर्थिक कारण। साम्यवादी देशों की विफलता इस बात से स्पष्ट हो चुकी थी कि वे पूंजीवादी समाजों से आगे निकलने के अपने वायदे को पूरा करने में असमर्थ साबित हुए थे। वे समस्त आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों से पिछड़े हुए थे। चौथा, राजनीतिक कारण। सोवियत संघ की जनता गैर लोकतांत्रिक ढंग से थोपे गए इन नेताओं के तानाशाही शासन से त्रस्त थी। साम्यवादी अधिनायक तंत्र के विरोध में अनेक बुद्धिजीवी तथा नवयुवकों के द्वारा अनेक गुप्त संगठन स्थापित किए गए थे। इस समय विरोध प्रदर्शन आम बात हो गई थी। पांचवा, पश्चिमी देशों की भूमिका। पश्चिमी देशों के द्वारा रूस की जनता को लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। छठवां, मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार। मिखाइल गोर्बाचोव ने साम्यवादी शासन की निरस्ता को तोड़ने के लिए खुलापन की नीतियों को अपनाया। गोर्बाचोव साम्यवादी शासन को समाप्त नहीं करना चाहते थे, परंतु वे स्टालिन की अनुदारवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में रूपांतरित करना चाहते थे। साम्यवादी शासन से त्रस्त अनेक असंतुष्टों को जेल से रिहा कर दिया गया। समाचार पत्र तथा टेलीविजन को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रतिबंधित स्टालिन विरोधी फिल्मों तथा उपन्यासों को प्रदर्शित तथा प्रकाशित करने की छूट दे दी गई। आर्थिक सुधारों के तहत उद्योगों के निजीकरण की अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार गोर्बाचोव की उदारवादी नीति तथा साम्यवादी पुरातन विचारधाराओं के लोगों के मध्य
द्वंद के कारण साम्यवादी रूस का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव। पहला, महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया। अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया। विश्व का स्वरूप बदल गया। अब अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति से साम्यवादी और पूंजीवादी गुटों के बीच हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। दुनिया में अमन चैन की संभावना का जन्म हुआ। चौथा, तीसरे विश्व के देशों को सोवियत संघ से मिलने वाली आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता बंद हो गई। पांचवा, सोवियत संघ के विघटन से भारत को भी गहरा आघात लगा। सोवियत संघ भारत का विश्वसनीय मित्र माना जाता था। रक्षा उपकरणों के लिए भारत सोवियत संघ पर ही निर्भर रहता था। एक ध्रुवीय विश्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में ध्रुव से तत्पर्य उच्च शक्ति से है। उच्च शक्ति का निर्धारण सामान्यतः सैनिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। उच्च सैनिक शक्ति से संपन्न राष्ट्र विश्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। द्विध्रुवीयकरण वह व्यवस्था है जिसमें विश्व में दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है और दोनों महाशक्तियों की शक्तियां और क्षमताएं लगभग बराबर होती हैं। विश्व में दोनों महाशक्तियों के अपने अपने गुट होते हैं। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसमें अमेरिका तथा सोवियत रूस अपने अपने गुटों का नेतृत्व कर रहे थे। परंतु सोवियत संघ के विघटन ने विश्व का राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया और विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवी हो गया। इस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। अब वैश्विक मामलों में तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिका के हितों को सर्वोपरि मानकर नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन की योजनाएं प्रारंभ की गईं। दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व को निम्न शीर्षक के अंतर्गत समझा जा सकता है। राजनीतिक प्रभुत्व। साम्यवादी रूस के पतन से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक विचारधारा के रूप में साम्यवाद के महत्व में कमी आई तथा विश्व में प्रजातंत्र के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। अमेरिका ने प्रजातंत्र के मुद्दे को विदेश नीति का आधार बनाया। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी प्रभुत्व के विकास के अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय को अमेरिकी हितों के अनुरूप प्रभावित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विभिन्न निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति में भी अमेरिकी हस्तक्षेप स्पष्ट देखा जा सकता है। विभिन्न विकासशील देशों की सरकारों को उत्तरदायी शासन, मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता आदि के संदर्भ में दिए जाने वाले अमेरिकी दिशा निर्देश भी उसके राजनीतिक प्रभुत्व को व्यक्त करते हैं।
आर्थिक प्रभुत्व। अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न संस्थाओं, नीतियों, सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आंतरिक ढांचा, कार्यप्रणाली तथा नीति क्रियान्वयन अमेरिका दृष्टिकोण से प्रभावित रहता है। सांस्कृतिक प्रभुत्व। अमेरिका अपने सांस्कृतिक प्रभुत्व के विस्तार के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। जनसंचार माध्यमों, उपग्रह चैनलों, फिल्मों तथा उपभोक्तावादी विचारधारा के माध्यम से एक सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण विश्व में अमेरिकी मूल्यों एवं जीवन शैली का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के तमाम देशों के लोग अमेरिकी संस्कृति को अपनाने हेतु उत्सुक होते हैं। सैनिक प्रभाव। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिकी सैनिक क्षमता में कटौती करने के बजाय उसका निरंतर विस्तार जारी है। आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए दूसरे देशों में सैन्य शक्ति के प्रयोग का संभावित भय पैदा करना अमेरिकी समग्र रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इन सभी कारकों ने अमेरिका को एक ध्रुवीय विश्व का प्रणेता बना दिया है। थैंक यू।